बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.13 वेरिएशन इन थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ विद टेंपरेचर को डिस्कस करेंगे। मतलब किस तरह से हमारे पास थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ जो कि हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है थर्मोकपल में, वो टेम्परेचर में किस तरह से डिपेंड करता है, टेम्परेचर के राइज करने से बढ़ता है या कम होता है, इसको हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहले तो मैं आपको थर्मोकपल का थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर दूंगी। हमारे पास थर्मोकपल में बेसिकली दो डिफरेंट मटेरियल्स की वायर्स को इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारे पास वायर होती है हाई कंडक्टिविटी की, एक हमारे पास होती है लो कंडक्टिविटी की। वायर ए जो है बेसिकली ये जल्दी हीट को कंडक्ट करता है, वायर बी जो है ये हीट को कंडक्शन में जो है वो टाइम लगाता है। तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यही टेम्परेचर डिफरेंस बेसिकली हमारे पास जो है वो ई एम एफ प्रोड्यूस करता है, एंड दैट ई एम एफ प्रोड्यूस बाय द टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड द थर्मो ई एम एफ। ठीक, यहाँ आपको मैं एक जो है वो ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ बेसिकली हमारे पास जो है वो शो करता है कि हमारे पास थर्मो ई एम एफ जो है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से वैरी करता है। तो देखिए बेटा, पहली बात तो आप यहाँ पर ये देख लें कि हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, थर्मो ई एम एफ को हम लोगों ने जो है वो कंसिडर किया हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास ये जो है ये है कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा सी, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको मैंने आपको कहा था कि हम लोग यूजुअली जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के ऊपर रखते हैं। अब देखें हम क्या करें, हम लोग टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमारे पास थर्मो ई एम एफ भी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास हॉट टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे पास जो है वो थर्मो ई एम एफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, और ये हमारे पास जो है एक मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द न्यूट्रल टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर है कि जहां पर जाके हमारे पास हाईएस्ट थर्मो ई एम एफ प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल ई एम एफ। लेकिन जैसे ही आपका जो थर्मोकपल है वो न्यूट्रल ई मतलब न्यूट्रल टेम्परेचर से ज्यादा जो है वो न्यूट्रल टेम्परेचर से आपके पास जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अब आपके पास थर्मो ईएमएफ इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और डिक्रीज करते 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 ये किसी एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जीरो हो जाएगा, और जहां पर हमारे पास थर्मो ईएमएफ जीरो होगा, दैट टेम्परेचर इज बेसिकली नोन एज अ इन्वर्जन टेम्परेचर, क्योंकि यहां पर आपके पास चीज टोटली इन्वर्ट होगी। पहले टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो इंक्रीज करेगी और फिर क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन टेम्परेचर। यानी कि हमारे पास कोई एक सर्टेन टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी होगी कि जहां पर आपके पास थर्मो ईएमएफ जो है वो बढ़ने के बजाय कम होते होते जीरो हो जाएगा। ठीक, तो अब इसी को हम लोग जो वर्डिंग के अंदर रिप्रेजेंट करें, दैट कीपिंग द जंक्शन बी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ए इज इंक्रीज। यानी कि हमारे पास जो है वो बी, ये वाला जो हमारे पास टेम्परेचर टी टू के ऊपर है, इसको हम लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखा हुआ है, और ए जो हमारे पास जंक्शन है उसको हम लोग इंक्रीज करें उसके टेम्परेचर को बाय यूजिंग द हीट। व्हेन बोथ द जंक्शन एट द सेम टेम्परेचर, अगर हमारे पास दोनों जंक्शन जो है वो सेम टेम्परेचर के ऊपर होंगे, देयर इज नो ई एम एफ, यानी कि हमारे पास किसी किस्म का थर्मो ई एम एफ प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि थर्मो ई एम एफ प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, यानी कि टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस होगा। व्हेन द टेम्परेचर एट वन एंड इज इंक्रीज, यानी कि यहां से आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, थर्मो ई एम एफ ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, तो हमारे पास थर्मो ई एम एफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा विद टेम्परेचर एंड रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर। ठीक, आपने क्या किया, आपने हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो आपका ई एम एफ भी बढ़ना शुरू हो गया, और एक सर्टेन वैल्यू आएगी कि जहां पर आपका थर्मो ई एम एफ जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट सर्टेन टेम्परेचर इज बेसिकली नोन एज द न्यूट्रल टेम्परेचर। जैसे ही आपका जो टेम्परेचर है वो इस वैल्यू को पहुंचेगा, यानी कि न्यूट्रल टेम्परेचर के ऊपर पहुंचेगा, अब आपका टेम्परेचर जब न्यूट्रल टेम्परेचर से ग्रेटर मतलब ज्यादा हो जाएगा, देखिए इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे ना, जैसे ही हमारे पास न्यूट्रल टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर होगा, अब आपका ई एम एफ और मजीद नहीं बढ़ेगा बल्कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और डिक्रीज होते 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 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर पर यह जीरो होगा, दैट टेम्परेचर इज बेसिकली नोन एज अ इन्वर्जन टेम्परेचर। तो हम लोगों ने न्यूट्रल टेम्परेचर की बात पहले की कि हमारे पास मैक्सिमम ई एम एफ जिस टेम्परेचर पर जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल टेम्परेचर। तो हम यहां पर कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट फॉर अ थर्मोकपल, हमारे पास जो है वो न्यूट्रल टेम्परेचर एक थर्मोकपल के लिए कॉन्स्टेंट होता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन, और ये हमारे पास कोल्ड जंक्शन के इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस हॉट और कोल्ड के दौरान हर हाल में जनरेट होता है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कोल्ड जंक्शन होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन से जो है वो कंडक्टिविटी के मेटल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक,
तो ये हमारे पास हो गया न्यूट्रल टेम्परेचर की डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर की, एज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन इज इंक्रीज। अब मजीद अगर आप टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे न्यूट्रल टेम्परेचर ज्यादा, तो फिर क्या होगा, द थर्मो ईएमएफ स्टार्ट डिक्रीजिंग इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग। अब आपका जो ईएमएफ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो कोर्स में नहीं, और ये लेवल से जो है वो थोड़ा सा ऊपर की बात है कि इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का जिससे डिक्रीज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हमने ये याद रखना है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर न्यूट्रल टेम्परेचर से आगे बढ़ेगा तो फिर आपके पास जो ईएमएफ है वो बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगा। द थर्मो ईएमएफ स्टार्ट डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग, द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द थर्मो ईएमएफ बिकम जीरो इज कॉल्ड द इन्वर्जन टेम्परेचर। आहिस्ता आहिस्ता आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, थर्मो ईएमएफ आपका डिक्रीज करता जाएगा, और करते 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 हमारे पास जो थर्मो ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा। बेसिकली दैट टेम्परेचर एट विच द थर्मो ईएमएफ बिकम जीरो इज कॉल्ड द इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द थर्मो ईएमएफ विद टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन विद अ कोल्ड जंक्शन। ये ग्राफ आपको जो है वो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के दरमियान आपको जो है वो डिफरेंस दिखा रहा है कि जिसके वजह से आपको थर्मो ईएमएफ पहले इंक्रीज करेगा, न्यूट्रल टेम्परेचर के बाद डिक्रीज करेगा, और इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर जीरो हो जाएगा। ठीक, आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ विद द टेम्परेचर टी फॉर कॉपर आयन थर्मोकपल। कॉपर जो है वो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, आयरन की कंडक्टिविटी कम है, कि जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा और आपके पास जो थर्मो ईएमएफ जनरेट होगा। और थर्मो ईएमएफ की जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन को हम लोग जो है वो स्टडी कर चुके। तो ये हमारे पास था कंप्लीट टॉपिक ऑफ वेरिएशन टेम्परेचर विद थर्मो ईएमएफ। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है बेटा, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो मैं इसको आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।